अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की फजल व करम और बरकत के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग भी बिल्कुल खैर व अफियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो ये समझ लें कि छोटी सी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और इसके साथ जो है फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं, ट्रेंड चल रहे हैं और एक बात ही की जा रही है कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें आप सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर बैठे हुए हैं और आप जो है उसको जब ओके करेंगे तो आपके मोबाइल से जो है व्हाट्सएप को एक्सेस हासिल हो जाएगी और वो आपका डेटा लेकर जो है फेसबुक के ऊपर उसको शेयर करेगी, जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। और पता नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। यानी कि अपनी तरफ से जो बहुत बड़े बड़े फिलासफर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, इसके साथ बहुत बड़े जैसे फेसबुक की दानश्वर हैं, वो अपनी तरफ से बड़ी बड़ी जो है वो बातें कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जगह टेलीग्राम और पता नहीं क्या क्या, इससे कबल ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं सुनी जो इन दिनों मैं सुन रहा हूँ कि ये चीज़ आ गई है, आप इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें। यानी कि मतबादल चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। तो एक छोटी सी बात करता हूँ कि ये 5 से 6 दिन कबल मेरे पास ये मैसेज आया, मैंने इसको देखा और मैंने उसको ओके कर दिया, उनकी पॉलिसी से मैंने एग्री कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि ना तो हम लोग मतलब इतने बड़े कोई सियासतदान हैं और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि हमें डर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई गेम्स करते हैं मोबाइल के अंदर, फेसबुक यूज़ करते हैं, इस तरह की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करते हैं, तो ये हिडन पॉलिसीज जो है वो उनके साथ आपको एग्री करना पड़ता है। व्हाट्सएप ने जो है वो अभी इस पॉलिसी के बारे में खुल के बता दिया तो आप लोगों ने उसके बारे में शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, अपने पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, कि इसमें ऐसी कोई इबहाम की चीज़ नहीं है। ये उन लोगों को डरना चाहिए जो पोर्नोग्राफी करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो करते हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हैं या कोई बहुत बड़े साइंसदान हैं, कोई एटम बम बना रहे हैं, कोई मिसाइल बना रहे हैं जो उन्होंने डेटा अपने मोबाइल में रखा हुआ है या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग घबरा जाएँ, डर जाएँ, या वो लोग डरें। एक और बात बताता हूँ, जो गलत रिलेशन रखते हैं लोगों से और फिर उनकी वीडियो बना लेते हैं, ऐसा फाक्षा किस्म का मवाद अपने मोबाइलों में रखते हैं, वो डरें कि यार इस तरह की चीज़ें हों। अब मैं थोड़ी सी रियलिटी की तरफ आता हूँ कि अगर आप मतलब मैं अपने मोबाइल की बात करूँ तो जिन चीज़ों को मैं व्हाट्सएप के ऊपर सर्च करता हूँ या ज़्यादा देख रहा हूँ या ज़्यादा जो ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ, स्टेटस लगा रहा हूँ, वही क्या होगा कि वही चीज़ें व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक को देगा और फेसबुक जो है वो देखेगा कि आपका इन चीज़ों में व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट है। तो होगा क्या कि इस पॉलिसी के तहत वही जो चीज़ें हैं वो ऐड की सूरत में आपको फेसबुक के ऊपर ही मिलेंगी कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, वही आपको इश्तहारात जो है उस सूरत में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे शोर पड़ गया, पता नहीं क्या क्या चैट आपकी हो जाएंगी। आप ना ऐसी चैट करें कि आपको कोई परेशानी का जो है ना बायस बने और ना ऐसी जो है ना फाक्षा चीज़ें मोबाइल में रखें कि आपको कोई परेशानी का बायस बने। मैं इतना ही कहूँगा कि ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है जितनी पैनिक जो है ना फैलाई जा रही है, जितना आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप इस पॉलिसी से जो है वो एग्री कर जाएं, कोई भी इतना वो जो नहीं है, कोई इतना बड़ा इबहाम नहीं है कि आप लोग जो है ना परेशान हों। खुलम खुली बात है कि आप लोग वैसे भी जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके लिए आपको एग्री करना पड़ता है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है उन लोगों के लिए जो एक पैनिक फैला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं कि आप ये यूज़ करें। आप पहले भी सेफ थे, अब भी आप सेफ हैं। हाँ, अगर आपका दिमाग सेफ है, आप रिलेशन में सेफ हैं और आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं जो है ना वो हैं मसरूफ़ नहीं हैं जो नेशनल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हों, जो इस तरह की पॉलिसीज़ हों जैसे दहशतगर्दी का कोई मनसूबा हो या इस तरह की कोई चीज़ें आप जो है नहीं कर रहे जिससे जो है ना इंसानियत के लिए जो है वो कोई ऐसी प्लानिंग हो कि वो इंसानियत के लिए एक टॉर्चर का बायस बने, तो आप लोगों को इस पॉलिसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में अभी लेटेस्ट मेरे पास ये भी इतला आई है कि जो व्हाट्सएप वालों ने जो है वो खुद ही अपनी पॉलिसी के बारे में जो है साथ साथ को बता भी दिया है। तो बहरहाल
ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, आप लोग गेम्स भी करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, तो हिडन पॉलिसी के साथ आपको जो है वो उनकी पॉलिसी को एग्री करना पड़ता है, फिर ही जाके वो आपके मोबाइल में डाउनलोड होती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।